आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं आपके साथ राधा। वहीं बात की जाए तो प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा 1 से 7 अप्रैल को मनासा में पहली बार मनासा में जो है होने जा रही है। इसे में बात की जाए तो ये कथा बेहद जो है भव्य होने वाली। आज जो है 31 तारीख है और 31 तारीख को कलश भव्य जो है कलश यात्रा निकाली जाएगी। लेकर हमारे वॉइस ऑफ एमपी के चीफ रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी जो है मनासा में मौजूद है। तो आइए इनसे जानते हैं किस प्रकार की कथा रहेगी और क्या कुछ आयोजन होने वाले हैं। जी ईरानी सर बताए क्या कुछ आयोजन होने वाले। राधा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्यातनाम कथावाचक पंडित प्रदीप जी मिश्रा का मनासा में भव्य आगमन होने जा रहा है और 1 से 7 अप्रैल तक उनके मुखारविंद से शिव पुराण कथा का आयोजन होगा, जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। यहां पर श्रद्धालु आना शुरू हो चुके हैं। अभी हम लोगों ने लोगों से बातचीत की, दूर दराज और आसपास के क्षेत्रों में हजारों की संख्या में लोगों का पहुँचना शुरू हो गया है राधा, और उनके आगमन को लेकर आज जो है कलश यात्रा भी है राधा। सर पांडाल में अभी किस तरह की जो है व्यवस्था की गई है, कोई बड़े अधिकारी वहां पर जायजा लेने पहुंचे या नहीं पहुंचे? राधा अभी हम लोग पांडाल में मौजूद है, यहां पर एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब जायजा ले रहे हैं। दूसरी बात मैं कहूंगा कि लगभग 1 से 1.5 लाख से अधिक लोगों को लेकर व्यवस्थाएं बनाई गई है और पांडाल पूरी तरह से सज कर तैयार हो चुका है। भव्य स्टेज बनाया गया है, तमाम तरह की पंडाल के आसपास जो आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए आयोजक उसे करने की कोशिश कर रहे हैं। एक अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था है, टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, पेयजल की तमाम व्यवस्था की गई है। अगर मंडप की बात करें, पांडाल की बात करें, तो पांडाल में चूंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी को देखते हुए उसके ऊपर टाट लगाए गए, बड़ा विशाल पांडाल यहाँ पर बनाया गया है और आवश्यक रूप से जो भी जरूरी चीजें हैं उसकी कोशिश जो है आयोजक कर रहे हैं। यातायात की अगर बात करें तो 4 पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग रूटों से आने वाले लोगों के लिए पॉइंट बनाए गए हैं। वीआईपी वीवीआईपी लोगों के लिए, पत्रकारों के लिए अलग से व्यवस्था की गई राधा। सर आज कलश यात्रा निकाली जाएगी, उसमें कितने लोगों की आने की संभावना है? लगभग आयोजक जो है वो संख्या का सही अनुमान नहीं बता पा रहे, चूंकि उन लोगों का ये कहना है कि श्रद्धा के विषय में, धार्मिक भावनाओं के विषय में संख्याओं में बांधना संभव नहीं है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है या जो मेरी बातचीत हुई उससे लगता है कि लगभग 1 से 1.5 लाख लोगों के हिसाब किताब से ये व्यवस्था की गई है राधा। सर प्रशासन की किस तरह से व्यवस्था है वहाँ पर, पुलिस प्रशासन की? प्रशासन ने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने की तैयारी कर रखी। प्रशासन ट्रैफिक को लेकर, यातायात को लेकर, श्रद्धालुओं के आने जाने को लेकर, भोजन को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। प्रशासन की अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है। रास्ते हैं, मुख्य मार्ग है, उनको बैरिकेडिंग किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि प्रशासन हर तरीके से जायजा लेकर इस बात का प्रयास कर रहा है कि कहीं भी कोई भी अव्यवस्था या कोई आपरी स्थिति निर्मित ना हो। 25 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है, उस समिति के माध्यम से अलग अलग समितियां बनाकर कार्यों को विभाजित किया गया है, नोडल बनाए गए हैं राधा। कलश यात्रा कितनी बजे निकाली जाएगी आज? आज कलश यात्रा जो है दिन में 3 बजे निकलेगी, मनासा में अन्नपूर्ण मंदिर से निकलेगी। मनासा को मंदिरों की नगरी कहा जाता है, देवभूमि कहा जाता है, और यहाँ पर इसी को लेकर यह आयोजन हो रहा है। पूरी तरह से आयोजन समिति, प्रशासन, आयोजक और तमाम सेवादार सहयोगी संस्थाएं इस बात के लिए तैयार दिखाई दे रही राधा कि बेहतर आयोजन हो, सफल आयोजन हो और ऐतिहासिक आयोजन, इसकी कोशिश की जा रही राधा। तो हमने जाना किस तरह से आज प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की जो कथा 1 से 7 दिवसीय जो है होने वाली है, शिव महापुराण कथा, और आज जो है भव्य कलश यात्रा जो है मनासा में निकाली जाएगी, जो कलश यात्रा 3 बजे निकाली जाएगी। और अभी हमारे चीफ रिपोर्टर अब्दुल ईरानी इस वक्त जो है वहां पर पांडाल में मौजूद। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि पांडाल जो है बनाया गया है और तमाम तरह की व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के आने की। तो हमने इस वक्त का बड़ा अपडेट जाना, लगातार ऐसी जानकारी के लिए बने रही है वॉइस ऑफ एमपी के साथ।